सबको पता है कि कोविड-19 के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो एज पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और डायरेक्शन के अनुसार आज हमने अपने मेडिकल कॉलेज चंबा में भी इसके लिए प्रिपेयरनेस और रेडीनेस के लिए मॉक ड्रिल की है, तो जिसमें हमने पूरी अपनी रेडीनेस के लिए जो है वो डायरेक्शंस दी हैं और प्रिपेयरनेस जाके मैंने खुद पर्सनली उसको आज देखा है कोविड सेंटर में जाके। और आज हमारे पास वैसे भी 5 पेशेंट एडमिट हैं कोविड सेंटर में, तो उनका भी मैंने हालचाल पूछा है, उनकी ट्रीटमेंट और उनका जो चल रहा है उसके अनुसार एज पर कोविड गाइडलाइंस और अपने डिस्ट्रिक्ट की प्रिपेयरनेस के लिए जो आज गाइडलाइन थी उसके अनुसार हमने प्रिपेयरनेस और उसके लिए एक मॉक ड्रिल की है। कहाँ की है सर? ये हमारे कोविड सेंटर में की है, तो उसमें जो स्टाफ को गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया है और उनको डायरेक्शन दी है कि कोविड जो गाइडलाइंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सर क्या क्या गाइडलाइन है, थोड़ी सी शेयर करेंगे? गाइडलाइंस जो भी एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है और अपनी रेडनेस देखिए कि पेशेंट आता है तो उसको इमीजिएटली कैसे कोविड सेंटर में विदाउट कोई टाइम वेस्टिंग शिफ्ट करना है और उसकी इमीजिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और जब जो अदर गाइडलाइंस है उसके अनुसार उनको फॉलो किया जाए। यदि संक्रमण बढ़ता है तो क्या कुछ तैयारी? उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हमने अपनी मेडिसिन और अदर जो भी लॉजिस्टिक्स है वो हमारा तैयार है उसके लिए। बेड ऑक्यूपेंसी और ऑक्सीजन, हाँ हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स फंक्शनल हैं और एम्पल हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई है। लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से अपील है कि वो भीड़ भाड़ में न जाएं, मास्क का यूज करें और जो भी दूसरे हैं हैंड सैनिटाइजर रखें और अननेसेसरी जो है वो एक्सपोजर से बचें। कुछ लोगों ने सर वैक्सीन भी नहीं लगवाई है, बूस्टर डोज की भी यदि बात करें तो उसको लेकर लोगों में काफी वो अपने बूस्टर डोज और जो भी है वो उनको लगवाएं।